एशिया में भारत। हेलो बच्चों। हेलो अंकल जॉन। आज मैं तुम लोगों को पृथ्वी की सैर करवाऊंगा। अरे वाह, कितना मजा आएगा ना, हम भी तो यही चाहते थे। बच्चों, पर पृथ्वी की सैर करने के लिए तुम्हें मेरे एक खास दोस्त से मिलना होगा। कौन है वो? थोड़ा आश्चर्य से। इनसे मिलो, ये हैं ग्लोब। आज तुम सब इन्हीं के नजर से पृथ्वी को जानोगे। हेलो बच्चों, मैं हूँ ग्लोब। हेलो ग्लोब, आप हमें पृथ्वी के बारे में क्या क्या बताओगे? बच्चों, मुझ पर छपे इस भाग को देखो। इसमें देशों के थल अर्थात भूमि और जल भाग दिखाए गए हैं। इसमें तुम्हें आधा भाग ही दिख रहा होगा। इस ग्लोब पर बने नक्शे को घुमाकर देखो, अब दूसरा भाग दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, आप दोनों ने सही कहा। तो बस, हमारी पृथ्वी भी इसी की तरह गोल है और यह बहुत बड़ी है। तुम लोग इसे एक साथ पूरा नहीं देख सकते, इसलिए ही तो मैं हूँ उसका छोटा सा नमूना ग्लोब। बच्चों, अब ग्लोब पर बने इन चित्रों को देखो। अगर इन चित्रों को कोई कागज पर छाप दे तो इसे ही नक्शा कहेंगे। अच्छा, अब तुम सब ग्लोब को ध्यान से देखो और पहचानो। जो भाग नीला है वो जल है और बाकी का शेष भाग थल है, और नक्शे का ऊपरी भाग उत्तर और नीचे का भाग दक्षिण दिशा बताता है। अंकल जॉन, क्या हम ग्लोब को और आसान तरीके से समझ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए तुम एक कागज को ऊपर नीचे की ओर आधा मोड़ो। कागज का ऊपरी भाग उत्तर तथा नीचे का भाग दक्षिण है। अब दोबारा इस कागज को दाईं व बाईं ओर से आधा मोड़ो। देखो, लंबवत रेखा के किनारे किनारे पश्चिमी एवं दाईं ओर पूर्वी भाग है। इसे और इंटरेस्ट से जानने के लिए खुद करके देखो। एक बॉक्स बनाओ और उसमें दिशाएं भरो। हमने यह समझ लिया, आगे क्या है ग्लोब? मुझे और मेरे नक्शे को देखो। थल के बहुत बड़े बड़े भाग जो पानी से घिरे हुए हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं। ये सात हैं, क्या तुम इन्हें ढूंढ सकते हो? बच्चे ढूंढते हुए, मिल गया। इनके नाम हैं एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। शाबाश बच्चों, अब मेरे नक्शे में देखो। इनमें नीले रंग के बहुत बड़े बड़े भाग पानी के महासागर हैं। हमारी पृथ्वी पर पूरे पांच महासागर हैं। इनके नाम हैं उत्तरी ध्रुव महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। आहा, हमारी पृथ्वी तो महासागरों से घिरी हुई है। हाँ बच्चों, तभी तो ग्लोब ने कहा कि पृथ्वी का ज्यादा से ज्यादा भाग जल से घिरा है। बच्चों, अब ये एक और नक्शा है एशिया महाद्वीप का। देखो, इसमें भारत कहाँ है और उन देशों के नाम लिखो जो भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं में स्थित हैं। अब अपने देश के नक्शे में देखो, इसमें हल्के नीले रंग की रेखाएं नदियां हैं जो बहकर पानी के बड़े भाग में मिल रही हैं। यह सागर है। अरे वाह, ये तो एक गेम की तरह हो गया, ढूंढो तो जाने। अब नक्शे के दक्षिणी भाग में देखो, बूंद के आकार की तरह बना श्रीलंका देश है, वो एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है? जो भूभाग
चारों ओर से जल से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। अच्छा, तो इन्हीं छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। अंकल जॉन और ग्लोब, हमें आपकी जरूरत पड़ती रहेगी। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों।